इस पर बात करने के लिए साहब दीन यादव आउटपुट हेड हमारे साथ बने हुए हैं। साहब, खबर आ रही है कि जो रेस्क्यू का काम है वो लगभग पूरा हो गया और बस अब स्ट्रेचर से मजदूरों को निकालना बाकी है। साहब, हाँ बिल्कुल, मैं आपको जैसे बता ही रहा था कि सीएम धामी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं और पहुंच भी गए हैं। पहुंचते ही जैसे वहां उन्होंने देखा होगा कि पाइप डालने का काम पूरा हो गया और उसके बाद तुरंत ट्वीट आता है, तो इस ट्वीट से लगभग ये क्लियर हो गया है कि अब से कुछ देर बाद ये जो कामयाबी, 17 दिन से जो कड़ी मशक्कत चल रही थी, लगातार पूरी कोशिश हो रही थी कि सारे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, वो शायद अब जो ऑपरेशन है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब कुछ ही देर बाद मजदूरों का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद एम्बुलेंस तैयार है, 41 बेड का एक हॉस्पिटल वहीं पे पास में ही एकदम रेडी कर रखा है। हालांकि वो कई दिनों से पहले से ही रेडी है, क्योंकि पहले जब आगर मशीन से खुदाई चल रही थी, जब वो निकालने की उनकी प्रक्रिया थी, तभी लगभग जब 12 मीटर के आसपास खुदाई बची थी तभी ये तैयारी पूरी कर ली गई थी उत्तराखंड सरकार की तरफ से। लेकिन आज तो लगभग मजदूरों के करीब खुदाई पूरी हो गई है, पाइपलाइन भी पड़ गई है और अब किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और जिसके बाद से अभी वहां पर जो विजुअल है वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो मजदूर है उनको निकाला जा रहा है और कैसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तमाम चीजें अभी वो कुछ ही देर में जो खुशखबरी है ये कह रहे हैं, काफी दिनों से उनका परिवार इंतजार कर रहा था इस खुशखबरी को लेकर, तो वो शायद अब कुछ देर बाद ये पूरी हो जाएगी। सुमांगी साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार जो परिजन है वो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा देश कामना यही कर रहा है कि सुरक्षित इन्हें बाहर लाया जाए। अगर बात करते हैं टनल के बाहर की, वहां पे बहुत सारे परिजन भी मौजूद हैं, उनसे क्या कुछ कहना है उनका, किस तरीके का उनमें माहौल? अब देखिए, परिजनों को तो काफी दिनों से इंतजार था, क्योंकि कई जगह के बाहर, कई राज्यों के परिजन उसमें हैं, यूपी के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं और कई राज्यों के जो मजदूर हैं वहां पर फंसे हुए हैं, तो उनके परिजन वहां काफी दिन से वहां मौजूद हैं और रोज वो दुआएं कर रहे हैं कि काश कितनी जल्दी, क्योंकि दिवाली के दिन से ही एक सूचना आ गई हो, सोचिए जिस दिन देश पूरा दिवाली मना रहा हो और उसके बाद उनके परिजन के परिवारों की क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि उस समय उनको विश्वास भी नहीं रहा होगा कि शायद इतने अंदर फंस गए हैं मजदूर तो शायद अब निकल पाएंगे, सुरक्षित निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो उस समय तो उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी उनके परिवार की और साथ साथ मजदूरों की, ये तो हम भी आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। लेकिन अब आज जिस तरह से खुदाई पूरी हो गई है, पाइपलाइन पड़ गई है, तो अब कहीं ना कहीं उनके परिवारों में एक ये आस जग गई है, ना सिर्फ मतलब एक कह सकते हैं पूरी उम्मीद जग गई है कि अब से कुछ देर बाद अपने परिजनों के साथ होंगे। हालांकि उनके निकलने के बाद भी स्थितियां बहुत नाजुक रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से 41 दिन से वो अंदर फंसे हैं, ठीक से जिस तरह, क्योंकि अंदर हैं तो खाना पीना उनको टीम पहुंचाने का पूरा काम कर रही है, लेकिन फिर भी किसी ऐसी जगह पे किसी पाइपलाइन में फंसे होने पर आप समझ सकते हैं कि 17 दिन बाद उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उनकी शारीरिक स्थिति क्या होगी, सब पर उनका काफी इफेक्ट पड़ेगा। यकीनन साहब, जिस तरीके से उन्हें निकाला जाएगा बहुत ही क्रूशियल स्टेज होने वाली है, क्योंकि 17 दिन से वो इस टनल में बंद हैं और अब जब निकल रहे हैं तो स्थितियों पे बहुत ही गंभीरता से नजर बनाने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की, तो कितना अपडेशन इसमें देखने को मिला है इस बार जिस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू हुआ और जो मजदूर निकलने वाले हैं उनको लेकर के? अब देखिए, मेडिकल की जो टीम है उसके लिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार, पीएमओ की टीम वहां पे मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी रोज अपडेट ले रहे हैं, आज भी सीएम धामी से फोन पे बात की, मुख्यमंत्री लगातार बार बार वहां जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल 41 बेड का वहां पे पहले से बना के रखा गया है, तो मेडिकल और एम्बुलेंस आप देख रहे हैं विजुअल में, कैसे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक के बाद एक सब खड़ी हुई है, डॉक्टर की पूरी टीम तैयार है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो पूरी तरह से एक्टिव है, मेडिकल टीम पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब मजदूर निकलेंगे तो भी उनकी स्थिति मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर एक तरह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही नाजुक होगी और उनको संभालने की डॉक्टर की जो टीम होगी वो पूरी तरह से एक्टिव है, इसीलिए एक्टिव है क्योंकि एक से अंदर फंसे हैं इतने दिन से सुरंग के अंदर, तो वहां से और बाहर जब निकलेंगे तो जो प्राकृतिक एटमॉस्फेयर है उसमें भी उनके जब वो बाहर निकलेंगे तब वो एटमॉस्फेयर दूसरा होगा, जब वहां फंसे हैं तो वहां दूसरा होगा, तो काफी कुछ बदलाव होगा।
तो अचानक से इस तरह से बदलाव आने पर उनके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर की टीम तैयार है, इसीलिए काले चप्पल उनको भेजे गए कि अचानक सूर्य की रोशनी पड़े, उनकी आंखों पे बहुत इफेक्ट ना पड़े, काफी दिनों से होगी तो उनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। कुछ मजदूर हो सकते हैं कि उनकी शारीरिक स्थिति इतनी भी ना हो कि वो चल पाए, कई तरह की बातें हो सकती हैं, वो अभी जब मजदूर निकलेंगे तो सामने आएंगी। अभी फिलहाल कहना कुछ इस बारे में सही नहीं है, लेकिन जो मेडिकल टीम है वो पूरी तरह से एक्टिव है, तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है, हॉस्पिटल तैयार है, डॉक्टर तैयार है, जैसे ही निकलेंगे वो पूरी तरह से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन भी उसी हिसाब से चल रहा है और डॉक्टरों की टीम भी लगातार एक्टिव है और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उनको पूरा इलाज देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल साहब, अगर हम बात करते हैं जो बचाव दल है, चाहे हम NDRF की बात करें या SDRF की बात करें, क्या लगता है कि ऑपरेशन के बाद कितनी देर में वो ब्रीफिंग कर सकते हैं, क्या ब्रीफिंग का प्लान है आगे का? देखिए अभी जो जानकारी है, अभी NDRF और SDRF के जवान उससे पाइपलाइन के सहारे नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद से फिर एक एक करके मजदूरों को जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि जब अगरमत्ती से खुदाई चल रही थी तो जिस तरह से एक वीडियो सामने आया था, उसमें एक स्ट्रेचर डाला गया था और स्ट्रेचर में बकायदे नीचे पहिए लगे होते थे और उस पहिए के जरिए वो नीचे जा रहे थे, फिर वहां से निकल के बाहर आ रहे थे, तो वो हमने एक वीडियो देखा था। तो स्थिति शायद कुछ वैसे ही होगी, क्योंकि अब तब वो दूसरे लैंडस्केप में था, अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो अब किस तरह से निकालते हैं ये ऑपरेशन, अभी इसको जब NDRF की टीम कोई बताएगा तभी जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ उसी तरह से होगा, क्योंकि डायरेक्ट खींचना मुमकिन नहीं है, तो कुछ ना कुछ स्टेशन का इस तरह से सहारा लिया जाएगा जिससे आसानी से वो लोग बाहर आ सके। बिल्कुल साहब, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां टनल रेस्क्यू लगभग पूरा होने वाला है। आपको बता दें सीएम धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आप से कुछ ही देर बाद जो मजदूर हैं उनको बाहर लाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खुदाई का काम पूरा हो गया है, पाइप डालने का काम पूरा हो गया है और अब बस स्ट्रेचर से मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू होने वाला है। एम्बुलेंस को पहुंचाया गया है रेस्क्यू स्थल पर और जल्द ही जो मजदूर हैं उनको बाहर लाया जाएगा। तो 17 दिन बाद आज वो दिन आया है जब इस टनल में बंद मजदूर जिंदगी का सूरज देखने वाले हैं। और उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव विजुअल आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। ये विजुअल हैं जहां पर मजदूरों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो जारी है और किसी भी वक्त जो मजदूर है हम सबके बीच उनको लाया जा सकता है। और पूरी तरीके से जो अब मेडिकल की टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपडेशन के साथ मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से 17 दिन से जो ये मजदूर हैं वो इस टनल में बंद है तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां होंगी उनकी बहुत ही क्रूशियल होंगी। और जब वो सामान्य माहौल में आएंगे तो उनको किस तरीके से धीरे धीरे ढालने की उनको आदत में लाया जाएगा उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां की गई हैं। मेडिकल टीम इसको लेकर के तमाम तैयारियां कर चुकी है। तो गद्दे पहुंचाए जा रहे हैं टनल के पास और एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एम्बुलेंस भी टनल के पास पहुंचाई गई है। लाइन से इन्हें तैनात किया गया है ताकि एक एक करके जो मजदूर हैं उनको इसमें से अस्पताल पहुंचाया जाए। जो श्रमिक हैं उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद छोड़ दी गई थी वो आज भारतीय जो जवान हैं उन्होंने उस उम्मीद को दोबारा से जगा दिया है और उत्तरकाशी का जो टनल का रेस्क्यू है अब से कुछ ही देर बाद वो पूरा होने वाला है। तो अब इंतजार है उस खुशखबरी का जब ये 17 जो ये मजदूर हैं 41 वो 17 दिन बाद हमारे बीच में होंगे। एक बहुत ही खास लम्हा आज उन सभी जिंदगियों के लिए होगा, उनके परिवारों के लिए होगा जो 17 दिन से यहाँ पे मजदूर बंद हैं। आपको बता दें कि दिवाली के दिन ये हादसा हुआ था, तब से लेकर आज के जो एक लंबा समय था उन्होंने टनल के अंदर काटा है और अब उनको निकालने की जो प्रक्रिया है वो कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है।